दिल्ली एयरपोर्ट में बताया कि सूर्य नमस्कार के फ़ायदे लिखे हुए हैं और कैसे कैसे करते हैं उस डे पर, तो इसलिए योगा बहुत अच्छा है, लोगों को करना चाहिए। तो भाई आ गए अपन दिल्ली, अब अपन जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और मॉर्निंग की फ़्लाइट है मेरी रायपुर की, तो सुबह 5 बजे निकलना है रायपुर। देखते हैं भाई, अब जा रहे हैं, एस्केलेटर पर चलना भी नहीं पड़ रहा, आलसी बन गए। भाई जो लोग चल नहीं सकते उनके गाड़ी का बंदोबस्त भी हो जाता है। अभी अपने को इमिग्रेशन से गुजरना है कि भैया कितने दिन बाद आए हो, कैसा आए हो, है ना, ये सब करना, और फिर उसके बाद बैगेज कलेक्ट करना है। और अगर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है इंटरनेशनल तो आप फिर दूसरे रास्ते से जाएंगे। भाई अपना बोरिया बिस्तर लेके चल रहे हैं, बैग है, लैपटॉप बैग है, सब कुछ है। इमिग्रेशन से गुजरेंगे, बैगेज का सब कुछ है। अब जिनका वहाँ पे डोमेस्टिक मतलब कि अदर फ्लाइट है ना, नेक्स्ट फ्लाइट है, वो उधर पे मुड़ जाएंगे, लेकिन जिनका इमिग्रेशन और बैगेज क्लेम है वो इस साइड जाएंगे। तो मेरा तो अभी बैगेज क्लेम और इमिग्रेशन है, तो अभी यहाँ पे जाऊँगा। भाई आज का अपना दिल्ली एयरपोर्ट भी एकदम मस्त बन रहा है, ये बहुत सुंदर सा चीज़ है। और अभी एलिवेटर से नीचे जा रहा हूँ और ये अपनी भीड़ है। तो फाइनली आ गए इंडिया में, पीछे पूरा अपना सामान दिख रहा है। ये अपनी फ्लाइट का नंबर है न्यूयॉर्क UA 82, और ये अपन अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। ब्लू कलर का नाइकी का बैग है, आप लोग तो मेरे साथ साथ देखिएगा और बताइएगा कब आता है। बैटरी बहुत लो हो चुकी है, तो देखते हैं कहाँ तक रिकॉर्डिंग हो पाती है। यहाँ आपको एक इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए टिप दे रहा हूँ, या लोकल ट्रैवल के लिए भी, जब कभी भी आपका एकदम नया बैग हो या कोई भी बैग हो, तो उसको देने के पहले उसकी पूरी फ़ोटो खींच लो, ठीक है। और जैसे ही आप आते हो तो कभी कभी बैग डैमेज हो जाता है, तो जब बैग डैमेज होता है तो जो फ़ोटो रहती है बहुत हेल्प करती है क्लेम करने के लिए एज ए प्रूफ। क्योंकि कई बार मैंने देखा है मेरे नए नए बैग मतलब कि 6-7 हज़ार के बैग की इतनी मतलब कि इतनी ऐसी बुरी हालत होती है ना, दूसरी बार यूज़ करने लायक नहीं रहता। तो हमेशा फ़ोटो खींच के रखा करो अपने बैग की, और घूम जाता तो भी काम आता है। भाई इतने दिन बाद इंडियन गाना सुनाई दे रहा है, वरना अभी तो पूरा इंग्लिश सॉन्ग ही चलते रहता था सब जगह, बहुत दिन बाद इंडियन सॉन्ग सुनने मिल रहा। भाई लगभग 35 मिनट हो गया और अभी भी वेट ही कर रहा हूँ, लाइन अभी तक नहीं आया, देखो कब तक आता है। ये है अपना बैग, और अब अपन यूज़ करने वाले हैं ट्रॉली। न्यूयॉर्क में देखे थे ना उसका $5 है, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो थैंक यू इंडिया। जाता है तो यहाँ पे आकर इंक्वायरी कर सकते हैं, उन लोग का हो गया है नाटक बैग के साथ, तो अब वही बहस चलेगी थोड़ी देर। कोई करेंसी एक्सचेंज करवाना तो यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास इंडियन कार्ड भी है, अमेरिकन कार्ड भी है, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो एक्सचेंज करवाने का। भाई ये कोट मुझे बहुत पसंद आया, यंग इनफ टू बी ब्रेव, ओल्ड इनफ टू बी स्मार्ट, यही अपना स्टेटस रखने वाला हूँ मैं। भाई अभी इंटरनल ट्रांसफ़र है मतलब अंतरराज्यीय, तो अभी दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर के लिए जो इंटरनल वे है वहाँ से जा रहा हूँ, और एयर इंडिया से जा रहा हूँ, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा एयर इंडिया का, बहुत अच्छे से बात किया। अभी लिफ्ट में है, अभी लिफ्ट से सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं। अब आ गए यहाँ पे, अब EIF में जाना है, तो देख लो ये 360 डिग्री का व्यू है दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3-2 जो भी है। एयर इंडिया का बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया भाई, बहुत सालों बाद ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन मज़ा आ गया बोले, बहुत नम्र व्यवहार और अच्छे शालीनतापूर्वक बात कर रहे हैं, और बहुत ईजी प्रोसेस है। भाई इस बार तो एयर इंडिया वाले ने दिल जीत लिया, मतलब कि हमेशा मेरे को नाटक रहा था कि टाइम के पाबंद नहीं होते, इस बार मेरे को सब मतलब 5 बजे चेक इन है अभी से, मतलब 5 बजे की फ़्लाइट है 5:30 की, अभी से मेरे को जाने दे दिया, और सब कुछ एक तरफा बात करने का तरीका। तो भैया एयर इंडिया ने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है लास्ट टाइम की अपेक्षा, बहुत साल पहले ट्रैवल किया था और बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, इस बार एकदम टोटल चेंज एक्सपीरियंस है, तो आप एयर इंडिया से ट्रैवल कर सकते हो। आप बोर्डिंग हो चुकी है और अपन जा रहे हैं अब सिक्योरिटी चेक के लिए। भाई मुझे पता था ऐसा हो गई और फिर से हुआ, सिक्योरिटी चेक में पूरा मेरा बैग खुलवाया, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ना,
उनको गिम्बल दिखाना पड़ा, गिम्बल का स्टैंड बताना पड़ा, है ना, और तीन चार तो मोबाइल है, इतने सारे मोबाइल, मतलब कितना भी कुछ कर लूँ मेरे को सिक्योरिटी चेक में इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण रुकना ही पड़ता है, है ना। तो अभी से फिर से वही हुआ, सब कुछ चेक हुआ, गिम्बल विम्बल बताए, अब सोचो ड्रोन व्रोन ले लूँगा तो सबसे हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन चलता है, अपनी अपनी किस्मत वाला हिसाब है। तो अब मैं जाऊँगा रायपुर की फ्लाइट, अब रायपुर के आपको नज़ारे दिखाता हूँ। भाई ये बेनिफिट होता है बहुत सारे फ़ोन होने का कि आप जैसे अभी इंटरनेट कनेक्शन एयरपोर्ट का यूज़ कर रहा हूँ तो एक फ़ोन का नंबर पूरा यूज़ हो गया तो दूसरे फ़ोन से लॉगिन करके, दूसरा पूरा कंज्यूम हो गया तो तीसरे फ़ोन से लॉगिन करके, तो ये बहुत अच्छा होता है। अभी चार्जिंग में लगा हुआ है, मेरा आईफोन भी चार्जिंग में लगा, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट का भी रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए, और सब कुछ हो गया, चेक इन भी हो गया है, अब बोर्डिंग के लिए बस वेट कर रहा हूँ, मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ रायपुर, उसके बाद रायपुर टू अपना होम प्लेस लाइक। देखो अभी मैं पूरा डिस्प्ले में ढूंढा, मुझे कहीं पे भी मेरे को फ़्लाइट नंबर नहीं दिखा, तो फिर अपन क्या किए, अपन ऐसा टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सीधे सीधे आप चले जाओ कितना प्ले स्टोर में, ये प्ले स्टोर हुआ, मैंने एयर इंडिया का क्या ऐप डाउनलोड कर लिया, आपकी जो भी फ़्लाइट होगी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, ओपन किया, अब बुक फ्लाइट है, लेकिन मैं देखा फ्लाइट स्टेटस और मेरी फ़्लाइट का नंबर है AI 469, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दिया AI 469, तो मैं टाइप किया 469, AI इसलिए नहीं टाइप करना पड़ता क्योंकि ये उसी का ऐप है तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तारीख क्या, 2 तारीख का डिपार्चर है तो दिखा दो, तो इसमें दिखा रहा है गेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, टर्मिनल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन ऑन टाइम है, तो टर्मिनल तो खैर यही टर्मिनल होगा, लेकिन गेट अभी डिसाइड नहीं हुआ इसलिए अभी तक वो बोर्ड में दिखा रहा नहीं है, तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं चेक करते रहूँगा और फिर जैसे ही सही समय होगा उस गेट पे मैं पहुँच जाऊँगा। तो जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए एक और टिप भाइयों, भूख लग रही है कस के, और कोई शॉप भी अभी खुली नहीं है, बंद है, नहीं पता क्यों, 24 आवर्स खुला रहना चाहिए लेकिन बंद है, और अभी गेट भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो मैं सोचा चलो कमर सीधी कर लेते हैं, जहाँ मिले लेट जाओ, इसलिए बोलता हूँ नेक वाला पिल्लो अच्छा है, मस्त गद्दे का काम करता है, पीछे इतना हार्ड चीज़ है, हैंडल है, लेकिन उसके ऊपर रख लिया तो गद्दे का काम कर रहा है, और यहाँ और भी लोग लेटे हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े बड़े एयरपोर्ट में ऐसे आपको लोग मिल ही जाएंगे लेटे हुए। तो अभी लेटा हुआ हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी करता हूँ और उसके बाद फिर मॉर्निंग में जब फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होगा फिर मैं जाऊँगा, सोऊँगा नहीं, कभी सोना मत एयरपोर्ट में, कभी समय पे नींद नहीं खुलती, एक दो बार हो चुका है तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, सोए मत, जागते रहिए भाई, ऐसे सो जाओ कहीं भी बहुत सही चीज़ है पता है, क्योंकि मान लो जैसे मैं 4 घंटे रुकने के लिए किसी होटल में भी जाता तो कोई मतलब नहीं है, 2 घंटे पहले फिर या फ्लाइट लेने के लिए आना पड़ता, उतने दूर ट्रेवल करना है, तो जब भी मेरे मतलब कि फ़्लाइट में अगर 24 आवर्स से कम का डिफरेंस होता है तो मैं कभी होटल में नहीं रुकता, लॉन्च होता है तो लॉन्च में रुक जाता हूँ, लेकिन 24 आवर्स से कम का अगर डिफरेंस होता है तो मैं नहीं रुकता, मैं सीधा एयरपोर्ट पे ही सो जाता हूँ, तो बहुत अच्छा तरीका है ऐसा करने का। अभी अभी घर पहुँचूँगा, उसके बाद अच्छे से आराम करूँगा, अभी तो दिन और रात पूरा मिक्स हो जाता है, इसको बोलते हैं जेट लैग, मतलब जब ऐसे टाइम जोन का डिफरेंस आता है और आपको समझ में नहीं आता, आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे अभी रात है लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं जब वहाँ पे था तो उस समय अभी दिन है वहाँ पे, तो मेरे को अभी 2 से 3 दिन लगते हैं अपनी बॉडी क्लॉक को सेट होने के लिए, तो जो इस चीज़ को बोलते जब टाइम जोन से जाते हैं और अगर किसी को मतलब कि सर दर्द करता है या फिर कुछ होता है तो उसको जेट लैग बोल देते हैं, तो एक और नई वोकैबुलरी आपके लिए जेट लैग। तो मेरे को तो अभी खैर कुछ नहीं हो रहा, अभी मेरे को भूख बस लग रही है, और अभी कोई स्टोर खुला क्यों नहीं है नहीं पता यार, डेली अब 5 बजे 4 बजे खुलेगा, जैसे ही खुलेगा सबसे पहला कस्टमर मैं ही बनूँगा। देखो दोस्तों अभी फिर से सर्च किया तो बता रहा है गेट नंबर 32A, तो अब मेरे को चलना है 32A, तो इसलिए बोलता हूँ ऐसा आप एक ऐप डाउनलोड कर लो, जिस भी
आप एक ऐप डाउनलोड कर लो जो भी वेबसाइट से जा रहे हो, ऐसे में कि आपको बार बार मॉनिटर की तरफ देखना नहीं पड़ेगा और अपडेट करते रहो। और देखो जैसे अभी मेरे को पता चल गया 32A, तो अब अपन चलते हैं 32A की ओर। भाई ट्रैवल के समय नहीं पता लोग फ्रेश कैसे दिखते हैं, मैं तो कभी ट्रैवल के समय फ्रेश दिखते ही नहीं, लगता है कि एकदम टल्ली होके घूम रहा हूँ। अभी अपने को चलना 32A। अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा गेट देखना जैसे इसमें दिखा रहा है 27 to 62 के बीच में, तो अपना 32A वहीं पे पड़ेगा। तो चलते हैं, ये देखो ये दिखा रहा है अपने को 27-62 के बीच में। पहले क्या होता था, जो भी एयरपोर्ट होते थे ना अपने इंडिया में खासकर, उसमें जैसे आप जो हैंड बैगेज लेकर जाओगे, इसको हैंड बैगेज बोलते, जो आप अपने साथ में ले जाते हो कैरी ऑन, है ना, और ये बैग हो गया, तो इसके लिए एक टैग दिया जाता था जिसमें नाम पता लिखा होता था और उसके पास स्टैम्प मारा जाता था। लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, उसके कारण ना बहुत नाटक भी होता था, कहीं टैग भूल गए तो वहाँ से वापस भेज देता था, जाओ फिर से टैग लगा के रीचेक करवा के आओ, बहुत नाटक होता था। और कई कंट्री में वो टैग वाला सिस्टम था ही नहीं, तो मैं सोचता था यार इंडिया में काहे को रखें टैग वाला सिस्टम। फिर कुछ समय बाद ऐसा न्यूज़ में आया कि जो जो बड़े एयरपोर्ट हैं वहाँ पे टैग का सिस्टम हटा के देख रहे हैं, तो अभी दिल्ली जो एयरपोर्ट है उसमें हैंड बैगेज जो रहता है उसमें टैग नहीं लगाते। अच्छा लगा सिस्टम यार, अननेसेसरी का नाटक है टैग वाला, तो वो हटा दिया। ये मेरा फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है, जब मैं फ़ोन ख़रीदा था तो सब मेरे को बोले थे यार ये काहे को 26,000 का फ़ोन ख़रीदा है, इसी रे मतलब 19,000 में सैमसंग जे प्राइम मिल रहा था। लेकिन ये फ़ोन ख़रीदने का एक मात्र मेरा उद्देश्य था इसमें फास्ट चार्जिंग होता है, तो विद इन हाफ आवर के अंदर उससे भी पहले मेरे ख्याल से फुल चार्ज कर देता लगभग, तो इसीलिए फ़ोन लिया था। और सैमसंग जे प्राइम में ये वाला फीचर नहीं है। सब जगह मतलब मैं जो भी चीज़ ख़रीदता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर उससे टाइम सेव हो तो वो चीज़, अगर थोड़ी महंगी भी हो तो मैं ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए ये फ़ोन ख़रीदा कि चार्जिंग फास्ट करता है करके इस्तेमाल। एक माता अपने बच्चे के साथ आई और वो कुरकुरे का पैकेट खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हुआ नहीं, है ना, मैंने हेल्प ऑफर की लेकिन उन्होंने कहा वो की लेकिन हुआ नहीं, तो चलो अपन ट्राई करके देखते हैं, अगर हो जाता तो अच्छी बात है। ठीक है, पैसे डाल दिए, पैसे निकाल दिए, दिक्कत क्या हो रही है, मशीन काम नहीं कर रही लग रहा है। इंसर्ट नोट स्ट्रेट, नहीं ले रहा भाई, 20 का नोट बोलते मत खरीदो, चलो कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरे फेवरेट सिंगर का नाम कैलाश खेर है, बैकग्राउंड में उसका गाना चल रहा है, तो आप भी अपने फेवरेट सिंगर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कमेंट सेक्शन मैं कैलाश खेर को कभी पहले देखा नहीं था, बस मुझे गाने पसंद आते थे, जब मैं कुछ गाने सुना एक ही आवाज़ लगी, मैं बंदा कौन है भाई जो गाता है, बोले कैलाश खेर। मैं रियल लाइफ में कभी नहीं देखा कैलाश खेर को, उस समय रियल लाइफ में टीवी में भी नहीं पता था कैलाश खेर है। फिर फर्स्ट टाइम एक बार टीवी में देखा, मतलब ये कैलाश खेर है, आवाज़ और पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच नहीं करती, लेकिन उसका गाना मुझे बहुत पसंद आता है। अब ये वीडियो में मैं इतने डिटेल में बता रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहा हूँ, तो कई लोग को लगेगा ये क्या पागल टाइप का छोटी छोटी चीज़ें बता रहा है, इतना तो सबको पता होता है। लेकिन यकीन मानो भाई, इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे लोग भी देखेंगे जो ज़िंदगी में पहले कभी एयरपोर्ट नहीं गए, इससे पहले फ़्लाइट में कभी नहीं बैठे। अभी भी फ़्लाइट में बैठना कई लोगों के लिए एक ड्रीम होता है ना, इसीलिए मैं इतने डिटेल में बताता हूँ छोटी छोटी चीज़ें कि बाथरूम ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठा था क्लास 11th में, है ना, फ़र्स्ट टाइम 11th में बैठा था, क्योंकि मेरे पापा को LTC जो BSP में काम करते हैं उनको LTC मिलती है, मतलब कि अंडमान निकोबार घूमने जाना था, तो मैं फ़र्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था। और उससे पहले की घटना बताता हूँ, हम लोग NCC में थे एयर विंग में, तो बोले कि चलो आपको एयरपोर्ट दिखाया जाए, तो इससे पहले कभी एयरपोर्ट देखे नहीं, तो एकदम खुश हो गए,
वो चला दिया 5-7-8 किलोमीटर कुछ ऐसी पैदल मार्च कराते हुए आ गया और यही रायपुर माना एयरपोर्ट को दूर से दिखाया और बोलते हैं देखो ये है एयरपोर्ट, और अंदर तक लेके नहीं गया और वापस चला के वापस लाया। मैं बोला यार ये तो ले लिया बोले चला चला के, है ना। तो ये वीडियो इतना डिटेल में बनाने का मकसद मेरा यही था कि कई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाले होंगे या उनको उत्सुकता होगी कि भाई फ्लाइट में कैसा होता है, कैसे चीज़ें काम करती है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करना भाई। लाइक करने से ना मनोबल बढ़ता है और ना अगला वीडियो बनाने की इच्छा भी करती है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक जिंदाबाद सेना ज्वाइन नहीं की है तो जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का उसको दबाइए, बगल में जो घंटी का आइकॉन है उसको भी दबाइए। घंटी का आइकॉन दबाने से क्या होता है, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है, इसलिए घंटी का सिंबल भी दबाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं घंटी का सिंबल नहीं दबाते, तो वीडियो अपलोड होता है तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आपको सब्सक्राइब करना है साथ ही साथ घंटी का आइकॉन भी दबाना है। अभी अब मैं फिर इंडिया में आ गया हूँ तो यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड मेरे को मिलती नहीं है, तो कुछ दिनों तक तो अपलोड नहीं हो पाएंगे, मतलब अपलोड होंगे लेकिन उतने स्पीड से नहीं हो पाएंगे जैसे मैं हर दिन डाल रहा था, तो अब बहुत कम हो पाएंगे। कब तक, 23 दिसंबर। हाँ दोस्तों, आपको US का क्रिसमस भी दिखाऊंगा, 23 को मैं वापस रिटर्न होऊंगा, तो पूरा फिर से रिवर्स ऑर्डर में बनेगा, पहले रायपुर फिर दिल्ली फिर अपना न्यूयॉर्क फिर अपना नैशविल, तो ये रिवर्स ऑर्डर में बनाऊंगा और उसको उतने ही डिटेल से बनाऊंगा कि फर्स्ट टाइम जाते हो तो इमिग्रेशन का प्रोसेस इस साइड से कैसा पड़ता है।